हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए, लास्ट क्वेश्चंस जो हमारे पास चल रहे थे, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बचा हुआ था। ठीक है, इसके अलावा हमने बाकी क्वेश्चंस कर लिए थे, तो वो भी आज कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे ये जो हमारा एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाए। फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे, एक्सरसाइज नंबर 12 और जो है हमारा हीरोन फार्मूला। ठीक है, क्योंकि इसके पहले जो बीच में टर्म्स हैं, यानी कि एक्सरसाइज हैं, वो इसी तरह से हैं, और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा और कुछ सीख लें जिससे बोर आपको ना लगे, क्योंकि एक ही तरह की चीज़ें पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। तो देखिए क्या है ये, शो दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग दी मिड पॉइंट्स, दी मिड पॉइंट्स ऑफ दी अपोजिट साइड्स, ऑफ दी अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, बाइसेक्ट्स ईच अदर, इसे हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, शो करना है ये लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन करता है मिड पॉइंट्स को और द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, और वो एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो भागों में बांट। ठीक है, हमारे पास ये एक हम मान लेते हैं, सो एक क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इसमें सभी पार्ट्स के मिड पॉइंट्स हम यहाँ पे मैच कर रहे हैं आपस में। ठीक है, देखिए ध्यान से आप, इस तरह से ये लाइनिंग थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, और ये इसको ब्रेक कर रहा है, यहाँ से ब्रेक हो रहा है, और ये यहाँ से ब्रेक हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हमारे पास इसे नाम रख देते हैं हम ए बी सी डी, और ये एस, और ये क्यू। ठीक है, पी क्यू आर एस हमने रख दिया। हमें जो दिया हुआ है उसको लेके चलते हैं कि क्या गिवन है। हमें गिवन है कि जो ए है ना, क्वाड्रिलेटरल दिया है हमें, ए मतलब कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हमें गिवन है। ठीक है, पी क्यू आर एस आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स, उसके मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, ये चार उसके मिड पॉइंट्स हैं। और पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर। ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर एट ओ, पॉइंट ओ पर। ठीक है, टू शो ओपी बराबर क्या है ओ आर, एंड ओ क्यू बराबर क्या है आपके पास ओ एस। ठीक है, ओ पी बराबर क्या है ओ आर, ओ हमारे पास क्या हो गया, सब मिड पॉइंट हो गया, बीच वाला जहाँ पे सब ब्रेक हो रहे हैं, तो हमें शो करना है। वो कह रहा है कि जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ओ पी बराबर ओ आर और ओ क्यू बराबर ओ एस। ठीक है, तो हमने सबको लाइन में ज्वाइन कर दिया था, तो हम देखते हैं कैसे शो कर सकते हैं इसको। इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल हमारे पास है ए बी सी। ठीक है, इसमें देखो आप, ये ए सी जो है वो पी क्यू के पैरल है। ठीक है, यानी पी और क्यू क्या है, इस ए बी और बी सी के मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, पी एंड क्यू, हम हर चीज हर सवाल में हमने ये काम किया है, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स
ऑफ ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली देन ई क्यू पैरेलल है किसके ए सी के एंड पी क्यू बराबर हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, बाइसेक्ट अपने पास जो थ्योरम है उससे हम प्रूव कर सकते हैं चीजें। सिमिलरली वी कैन शो दैट, हम क्या शो कर सकते हैं कि जो आर एस है ना आर एस वो पैरेलल है किसके ए सी के। जैसे यहां पर पी क्यू पैरेलल हुआ ए सी के, वैसे आर एस पैरेलल हो जाएगा किसके ए सी के। ठीक है, और जब आर एस पैरेलल हो जाएगा ए सी के तो सेम वही काम हो जाएगा कि आर एस जो है वो हाफ ऑफ ए सी के बराबर। ठीक है, तो हमारे पास इसको हम वन मान लें, इसको टू, तो बाय वन एंड टू एक और दो से हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पर पी क्यू पैरेलल है किसके ए सी के और आर एस पैरेलल है ए सी के। इसका मतलब पी क्यू पैरेलल किसके हो जाएगा आर एस के, और पी क्यू बराबर है हाफ ऑफ ए सी एंड आर एस बराबर हाफ ऑफ ए सी, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा आर एस। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास एक एक पेयर जो है आपका वो हो गया पूरा, एक पेयर तो यहां पे एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, पी क्यू आर एस आर पैरेलल एंड इक्वल क्वाड्रिलेटरल, तो पी क्यू आर एस जो हो जाएगा, देखो एक अपोजिट साइड जो है क्वाड्रिलेटरल की पी क्यू आर एस जो पैरेलल है और इक्वल हो गई है, तो इसका मतलब जो पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, इज अ पैरेललोग्राम देन सिंस द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, जो पैरेलोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके भी जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करेंगे दूसरे को, देयरफॉर डायगोनल्स पी आर एंड क्यू एस ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट। ठीक है, तो दैट्स मीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम सिंस द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, देयरफॉर डायगोनल्स पी आर एंड क्यू एस ऑफ पैरेललोग्राम दैट्स मीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। ठीक है, जो लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ए बी सी डी बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो हमें मेनली प्रूफ करना होता था वो ये होता था कि जो हमने यहाँ पर देखिए बनाया है जो डायग्राम, इसमें आमने ये जो डायग्राम्स हैं ए सी एंड ये क्या है, मेनली ए बी सी डी के डायग्राम्स हैं, ठीक है। और जो पी क्यू आर एस ये जो बना है क्वाड्रिलेटरल, ये जो हमने पैरेलोग्राम प्रूफ किया, इसके ये पी आर और क्यू एस क्या है, डायगोनल्स हैं ये, जो मिड पॉइंट्स को वो कर रहे हैं, ठीक है, मिड पॉइंट से आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी क्या करेंगे, दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, इसका मतलब क्या है, सामने सामने वाले को मिड पॉइंट पर काटेंगे, मतलब यहाँ पे भी क्या करेंगे, दूसरे को मिड पॉइंट पर ही कट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ओपी बराबर ओ आर और ओ एस बराबर ओ क्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वो कहता है कि ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ठीक है, वो एक ट्राइंगल है और हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, वो राइट एंगल एट सी, ए लाइन थ्रू दी मिड पॉइंट्स एम ऑफ हाइपोटेनियस ए बी एंड ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। क्वेश्चन कह रहा है कि मुझसे है कि एक एबीसी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है एट सी पर, ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनियस, ठीक है, मिड पॉइंट से एक लाइन चलती है, ठीक है, वो ए बी और एम पैरेलल है बी सी के, तो इंटरसेक्ट करती है ए सी को डी पर, जैसे हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। डायग्राम मैं कह रहा हूँ पीछे बनाता हूँ, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी बार बार देखने पढ़ने में, ठीक है। तो मेनली यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ, सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है वो भी लिख देता हूँ पहले यहाँ पे मैं। सेकेंड पार्ट जो प्रूफ करना है वो है सी एम बराबर एम ए बराबर हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। तो देखिए आप पढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पर, देखिए ये आपका डायग्राम है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, सी पॉइंट पर ये ए ये बी और ये सी, और यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, यहाँ पर ए तो डी है और यहाँ पर क्या है एम है, ठीक है, और एम मिलता है किससे, सी से, ठीक है। ये आपका डायग्राम हो गया, और वो कह रहा है कि शो कर रहा है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यहाँ पर हम खाली एम से लाइन खींची दोनों तरफ, ठीक है, हाइपोटेनियस जो है ना, हाइपोटेनियस ए बी, इसके मिड पॉइंट से हमने लाइन खींची डी पर, जो पैरेलल है किसके, बी सी के, और एक लाइन खींची यहाँ पर सी पर को मिलाया है। तो हमें कह रहे हैं कि जो डी है वो मिड पॉइंट है ए सी का, और क्या शो करना है, सी एम बराबर एम ए, सी एम बराबर एम ए बराबर हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, हम देखते हैं इसको कैसे प्रूफ कर, स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं यहाँ पर। नंबर फर्स्ट में इन ट्राइंगल ए बी सी जो एम इज मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट थोड़ा लगेगी यहाँ पे ऑफ ए बी एंड एम डी पैरेलल है किसके, बी सी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, देखो ए डी बराबर डी सी, ठीक है, आप देखो जो ए डी बराबर किसके है, डी सी के होगा, क्योंकि एम डी पैरेलल है बी सी के, तो इसका मतलब क्या होगा, मिड पॉइंट थ्योरम से तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, राइट, भाई डी मिड पॉइंट हो जाएगा क्योंकि एम जो है मिड पॉइंट है, और
MD जो है वो BC के पैरेलल है, तो समझो तीसरी साइड जो बी पॉइंट आ रहा है वो इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट थ्योरम से आप जानते ही हो, ठीक है, पढ़ रखा है मिड पॉइंट थ्योरम। इसके हिसाब से क्या हुआ कि हमारे पास AD बराबर किसके हो गया, BC के हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, सिंस MD पैरेलल है किसके है, BC के, ठीक है। तो एंगल आप देखो, आप ADM बराबर ADM बराबर ACB, ठीक है। क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, राइट। और ADM जो है आपके पास, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ACB 90 डिग्री है, ADM कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ADM प्लस CDM बराबर 180 डिग्री, ठीक है। CDM ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा, तो इस ये तो कितना है, वो 90 डिग्री है, प्लस CDM ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल CDM भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल ADM इक्वल टू एंगल CDM इक्वल टू 90 डिग्री। तो MD पैरेलल किसके है, AC के, ठीक है। नंबर सेकंड हमारा, सेकंड प्रूफ करना है कि एक तो हो गया MD, ठीक है। और क्या प्रूफ करना था हमारे को, कि CM बराबर MA बराबर हाफ ऑफ AB, CM बराबर MA, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम देखिए, ट्रायंगल, ट्रायंगल एक तो हमने ले लिया AMD और एक ले लिया हमने CMD, ठीक है। AMD और एक ले लिया हमने CMD, दोनों ट्रायंगल ले लिए, क्योंकि हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट प्रूफ करके इसको हम कॉन्गेंट प्रूफ करते हैं, उसके बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस हो जाएंगी। इसमें क्या क्या है, तो है AD बराबर DC, ठीक है, ये बाय वन, ठीक है, समीकरण नंबर ऊपर से, ठीक है, इसको एक मान सकते हैं, वैसे वन से हमने प्रूफ कर दिया है। और एक है हमारे पास MD बराबर MD कॉमन, ठीक है। और एक है हमारे पास एंगल ADM बराबर CDM, ये है फ्रॉम टू, तो टू मान लो आप, तो थ्री मान लो, फ्रॉम टू, तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल AMD कॉन्गेंट हो गया, ये देखो ADM बराबर CDM, तो ट्रायंगल AMD कॉन्गेंट हो गया ट्रायंगल CMD के, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो गया आपके पास, AM बराबर CM किससे, CBCT से, AM बराबर CM CBCT से हो गया। तो MA जो है वो हाफ ऑफ AB के बराबर है, तो इसका मतलब CM भी क्या हो जाएगा, MA के बराबर, और वो हाफ ऑफ AB के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि MA जो है वो तो मिड पॉइंट है, ठीक है, M जो है वो मिड पॉइंट है, तो हाफ ऑफ AB के बराबर होगा ही होगा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का हाफ है। तो जब ये हाफ है ही, जब एम ए बराबर एम बी है, यानी कि एम ए बराबर हाफ ऑफ एम ए बी है, तो सी एम बराबर भी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी। तो ये चीज़ हम प्रूफ करनी थी और हमने प्रूफ कर दी है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और ये कंप्लीट हो गया है आपके पास एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज चलेगी 12, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।